अगली खबर आ रही है भिंड से, जहां बरोही थाना क्षेत्र में गांव के दो युवकों की फेसबुक पर कमेंट लिखने पर बहस हो गई। ये मामले में दो सगे भाइयों ने एक युवक की पिटाई कर दी। फरियादी की शिकायत पर दो सगे भाइयों को आरोपी बनाया गया है। बरोही थाना पुलिस के मुताबिक गौना गांव में रहने वाले शिवम पुत्र राम नरेश भदौरिया और गांव के नरोत्तम उर्फ छोटू भदौरिया की आपस में फेसबुक पर कमेंट लिखने को लेकर सोशल मीडिया पर बहस हो गई। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को चैलेंज कर दिया। इसके बाद गुरुवार की दोपहर को शिवम गांव के स्कूल के पास बैठा था, तभी छोटू व उसका भाई गौतम भदौरिया आए। दोनों ने शिवम को घेर लिया और कहा कि फेसबुक पर ज्यादा उल्टा सीधा लिखता है। इसी बात को लेकर दोनों ने लाठी व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि दोनों के हमले से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मेडिकल जांच कराकर दोनों आरोपियों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। माध्यम से हमारी लड़ाई हुई थी उससे 15 दिन पहले, फिर वो रंजिश। किस तरह लड़ाई हुई, क्या हुआ था उस फेसबुक पर? फेसबुक से वो बोल रहे थे कि आप गुंडे हो, जे हो, पहले से भी बोल रहे थे, चुनाव के पहले से हुआ था, तो उसके माध्यम से भी कह रहे थे कि आपसे लड़ना है, हमें लड़ना है। तो ये सारी बात फेसबुक पे चलती रही? हाँ, फेसबुक पे चलती रही। तो इसके माध्यम से वो लड़ाई शांत सी हुई थोड़ी। तो फिर मैं आज गया था स्कूल पे बैठने, तो उधर से बैठा था, मैं अकेला मोबाइल चला रहा था, तो उधर से दोनों भाई आए थे, दोनों लोग भाई ने पीछे से हमला किया। अच्छा, कहाँ चोट लगी है आपको? सर में लगी, कुल्हाड़ी से मारी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।